देश भर के विच दिवाली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के नाल मनाया जाता है और एक दूजे को मिठाइयां दे के इस त्यौहार की मिठास को होर भी वधा दिता जाता है। पर कुछ लालची लोग इस मिठास के विच गंदगी का जहर घोल रहे हैं। अजिहा मामला सामने आया जिला फिरोजपुर तो जिथे एक हलवाई के गोदाम के विच नियमों नूं छिके टंग के गंदगी भरे माहौल के विच ही मिठाइया बनाई जा रही ने जो कि दिवाली के त्यौहार से लोगों नूं वेचियां जा रही ने। दस दे कि जिस तरह के गंदे माहौल के विच इस मिठे जहर नूं तैयार किया जा रहा है वह लोगों की सेहत के नाल सीधा सीधा खिलवाड़ है। इसका जायजा जब टीम के वलों लिया गया तो पाया गया कि सेहत विभाग के वलों जारी नियमों के उल्ट जा के अनहाइजनिक तरीके दे नाल मिठाइया बनाई जा रही ने जिस दे नाल लोगों की सेहत पर माड़ा असर पवेगा। सेहत विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मिठाई बनाने वाले कारीगर के साफ सुथरे कपड़े पाए होने चाहिए ने सिर दे उत्ते जालीदार कैप होनी चाहिए है और साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। पर इस गोदाम दे विच बन रही मिठाइया सारे नियमों नूं छिके टंग रही ने। इस बाबत जब सेहत अधिकारी दे नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहला भी गुरु हर सहाय दे विच पांच दुकानों से सैंपल भरे सन ते कुछ कमियां सामने आईया ने हुण फिर दोबारा उत्थे सैंपल भरे जाणगे। जेकर नियमों के विपरीत जाके मिठाइया तैयार हो रही ने तो उन्होंने खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई अमल के विच लियांदी जाएगी। हाँ जी सर, कल गुरु हर सहाय के विच कुछ दुकानों पर जिहड़ा स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया उनके विच की है कि हाइजीनिक बिल्कुल नहीं पाया गया, उनके बारे की कहना जी तुहाडा? देखो साड़ी रूटीन सैंपलिंग जी है कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दिशा निर्देश रैगूलर चलती रहती है। सानू ड्राइव्स आने रंग वाली मिठाइया दे आए हैं, खोए दे आए हैं, वर्क वाली मिठाइया दे आए हैं। तो असं लास्ट वीक चैकिंग की गुरु हर साहिब के तीन हलवाइया की, उस तो पहले भी दो हलवाइया की चैकिंग की है। तो हूँ जिम्मे कह रहे हो कि फूड सेफ्टी एक्ट शेड्यूल चार की जी गाइडलाइनस है ये रैगूलर पालना करनी जरूरी है दुकानदार वालों। हूँ जो असी चैकिंग की उदो सूँ ज़्यादा खामियां नहीं पाई गई। हूँ जिम्मे कोई स्टिंग किया है तो उस कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो असं दोबारा चैकिंग कर लेंगे गुरु हर साहिब की, तो जिहड़े हलवाइयों के खिलाफ प्रॉब्लम है उन्होंने खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी के मुताबिक सर की हदायतें ने, उन्होंने ग्लव्स पाने चाहिए या सिर ढक के रखना चाहिए? बिल्कुल जी, परसनल हाइजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ग्लव ने हैडगेयर पाना होना चाहिए, रेफरेंस होने चाहिए, कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, नाखून कट्टे होने चाहिए। जनरल जी परसनल हाइजीन तो शेड्यूल फोर की गाइडलाइनस है वो फॉलो करनी जरूरी है। तो जेडे सर असी रिकॉर्ड की वीडियोज जी तो उन्होंने ये चीज़ा तो बिल्कुल इन बिन लागू ही है नहीं जी, वो ते भी कोई कार्रवाई होगी? देखो असी खुद विजिट करांगे। कदों करोगे सर? दो दिन ही बचे या अज कल जे साडे कोल कुछ होर भी कंप्लेंट्स है, इन्हें दो दिन के विचकार असी दोबारा विजिट करांगे। हो सकता कोशिश करांगे असी अज ही विजिट करें। शुभ नाम सर? अनिल कुमार।